एक बार की बात है, एक दृष्टांत है। एक युवक एक नाचने वाली के ऊपर, बेस्या के ऊपर सम्मोहित हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। अब वो नाचने वाली किसी से ब्याह क्या करेगी? उस युवक को टरकाते हुए वो नर्तकी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम अपनी माँ के कलेजा को निकाल कर मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगी। बस इतनी छोटी सी बात। अब वो युवक उस नर्तकी के ऊपर इतना अधिक सम्मोहित था कि वहीं मार्केट में एक खंजर खरीद लेता है। मैया घर में इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आता होगा। आज बहुत देर कर दिया, भोजन ठंडा हो रहा है। बेटा खंजर पीछे छुपाए हुए माँ के पास पहुंचा। मैया पूछती है, बेटा तू कहाँ था? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए मैं भोजन निकालती हूँ। और ऐसा कह के जैसे मैया पलटती है, वो युवक खंजर निकाल कर मैया के छाती में खंजर गाड़ देता है और कलेजा निकाल कर अपनी महबूबा की तरफ दौड़ गया। जाते जाते महाराज एक पत्थर से वो युवक टकरा गया और गिर जाता है। उसके हाथ से में जो माँ का कलेजा है वो उछल कर गिर दूर जाकर गिरता है और उस कलेजे से एक आवाज निकली, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटा बन पिसाच जो माँ का कलेजा ले निकाल, बेटा बन पिसाच जो माँ का कलेजा ले निकाल। लेकिन उस कलेजे से भी निकले, सदा खुश रहो मेरे लाल। उस कलेजे से भी निकले, सदा खुश रहो मेरे, सदा खुश रहो मेरे, सदा खुश रहो मेरे लाल। माँ तो सदा ममता मई होती है, ममता लुटाने वाली होती है।